और इंडिया सी ने जीता देवधर ट्रॉफी फाइनल। अजिंक्य रहाणे और ईशान किशन की धमाकेदार सेंचुरीज। इंडिया बी को जिताने में नाकाम रहे कप्तान श्रेयस अय्यर का शतक। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। फिल्मों में और खेल में शायद यही फर्क है। फिल्मों में जो महानायक है वो कहानी के अंत में जीतता है और जीतता ही रहता है और फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन शायद खेल में ऐसा नहीं होता। महेंद्र सिंह धोनी, वो शख्स जिसने T20 क्रिकेट को एक नया रूप दिया, भारत को वर्ल्ड T20 जिताया, किसी ने सोचा नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी भी ड्रॉप हो सकते हैं। कल रात ऐसा हुआ। एक तरफ 24 सितंबर 2007 का ये दृश्य, जब धोनी ने वर्ल्ड T20 अपनी कप्तानी में भारत को जिताया। 2004 दिसंबर से ये भारत के लिए खेल रहे हैं, लेकिन कल रात पहली बार उन्हें किसी भी टीम से ड्रॉप किया गया। सिलेक्टर्स ने वर्ल्ड T20 जिताने वाले कप्तान को T20 से बाहर कर दिया। हालांकि एम एस के प्रसाद ने यह कहा कि बाकी विकेट कीपर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मुकाबले और ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले टीम के 3 T20 मुकाबलों के लिए धोनी को टीम में नहीं रखा गया। अब धोनी सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते दिखेंगे आपको, वनडे। उसका भी वर्ल्ड कप है जून जुलाई में। सवाल यही है कि क्या वो कप्तान साहब का लास्ट हुर्रा हो सकता है? कप्तान साहब कहा जाएगा क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी वाहिद ऐसे कप्तान है विश्व क्रिकेट में जिसने वर्ल्ड कप जीता, जिसने वर्ल्ड T20 जीता और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। मेरे साथ निखिल हैं, मदन जी हैं, और दोनों कल शाम भी हमारे साथ थे जब 8:30 बजे टीम का ऐलान होना था। 8:30 के 9 बजे, 9:30, 10, जब 10 बजे तो ये अंदाजा हो गया था कि भाई कुछ बड़ी बात हो रही है, और 11 बजे जब टीम का ऐलान हुआ तो वाकई में एक बॉम्ब गिरा, धोनी बॉम्ब। औसत से लेकर स्ट्राइक तक पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मैच दर मैच धोनी से धमाके की उम्मीद की जाती रही, मैच दर मैच बस इंतजार में ही गुजरते रहे। धोनी कमजोर हुए तो भारत भी कमजोर होता गया, कमजोरी ताकत नहीं बनी तो नहीं ही बनी। पिछले 2 सालों में कम से कम T20 फॉर्मेट में ही सही, विराट से भी बेहतर रहे हैं धोनी के आंकड़े। मामला चाहे औसत का हो या स्ट्राइक रेट का, यहाँ तो बोझ बिल्कुल भी नहीं थे। वरना पिछले 2 साल के ही नहीं, इस साल के भी T20 आंकड़े यही कहते हैं कि वो इस फॉर्मेट में किसी के रहमो करम के मोहताज नहीं थे। अब सवाल यह है कि फैसला किसका है? जाहिर तौर पर धोनी का तो हो नहीं सकता। क्या भारत में इतना बड़ा फैसला चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ले सकते हैं कि धोनी को ड्रॉप किया जाए, या फिर ये कप्तान और कोच का फैसला है? देखिए, ज़्यादातर तो जो सिलेक्टर ही डिसीजन लेते हैं, पर जो जब मीटिंग होती है तो उसमें कैप्टन की भी राय ली जाती है। पर धोनी जैसे परफॉर्म कर रहे थे, ऐसे लग ही रहा था कहीं ना कहीं जाकर इनके ऊपर उंगली रखी ही जाएगी, तो डिस्कशन होगी ही होगी। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, क्या टाइमिंग राइट है ड्रॉप करना? मैं यहाँ पे, आप बताइए। मेरे को नहीं लगता कि ठीक, क्योंकि मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपको कीपिंग चाहिए, कीपर चाहिए पहले, क्योंकि मेरे को ऋषभ पंत और का थोड़ा सा अभी मेरे को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, धोनी जो है इस वक्त कीपिंग सबसे बेस्ट कर रहे हैं, आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टंप किया था, बड़ा अच्छा किया। तो मेरे को नहीं लगता कि टाइमिंग ठीक है। अगर ड्रॉप करना होता तो पहले ही इंग्लैंड के पहले ही उनको संकेत कर देते, वहां ही ड्रॉप कर देते। और अब ड्रॉप करना, क्योंकि देखिए, एक कैच भी अगर छूटा पीछे से, एक या दो कैचेस छूटे, तो आपका पूरा मैच भी खराब हो सकता है। लेकिन शायद ये दिक्कत बल्लेबाजी की आ रही है, और ठीक है, T20 में उनको शायद अब भारत कहता है चलो यार आगे देखो, कोई बात नहीं, 2 साल बाद वर्ल्ड T20 होना है, पर 2 साल बाद के लिहाज से आज तैयारी की गई है? या फिर निखिल, आपको लगता है कि उनके वनडे की जो बैटिंग है, क्योंकि जो T20 की बैटिंग है उसके आंकड़े ये कहते हैं कि T20 में ठीक ठाक चल रहा है, उनका T20 में बैटिंग ठीक ठाक चल रही है, क्या ये वनडे की बैटिंग की दिक्कत है? कुछ तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल तो है। नहीं, जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से उनका बल्ला, नहीं बोल रहा, बल्ला शांत है एक दिवसीय क्रिकेट में,
पाजी की बात में मतलब थोड़ा सा अलग सोच है कि विकेट कीपिंग हमें चाहिए, हम जानते हैं, पर पाजी 20 ओवर की क्रिकेट में विकेट कीपर के पास इतने ज्यादा बॉल जाएंगे नहीं। मैं मानता हूँ, अगर अगर दिक्कत है, स्पेशलाइज क्या है? नहीं, स्पेशलाइज उनकी बल्लेबाजी आपको बतौर फिनिशर चाहिए ना। वो रणजी ट्रॉफी के मैच है, एक दिवसीय क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में क्यों नहीं खेल रहे? वो तो मैं एग्री करता हूँ आपसे, मैं उसमें दो राय नहीं है, पर एक ही बात मैं कह रहा हूं, यहां ये कह रहा है कि कीपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कीपिंग एक दिवसीय क्रिकेट में चाहिए, उसके लिए वो वहां पे मौजूद है, लेकिन उसके साथ चार नंबर का स्थान आपका जो है वो रन नहीं बना रहा, छह नंबर पे आप एक और खिलाड़ी को ट्राई कर रहे हैं, पांच नंबर पे आपके पास अनुभवी खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। हम सब जानते हैं कि विश्व कप में जाके खेलेंगे, लेकिन हमें उनका बल्ला भी बोलते हुए नजर आना चाहिए। नहीं है कि वर्ल्ड कप में जाके, यही मैं सवाल पूछ रहा था, अगर वो नहीं रन बनाएंगे तो उनको ड्रॉप किया गया है ऑब्वियसली। उन्होंने देखिए, अगर आपने वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी को चाहते हैं आप, और आपको लग रहा है कि उनकी बैटिंग में दिक्कत आ रही है, तो फिर तो T20 छह मुकाबले खेलने चाहिए थे, क्योंकि उनके पास क्रिकेट ही नहीं है। और फिर तो बल्कि T20 के मुकाबले खेलेंगे, मैच फिट रहेंगे, बैटिंग करेंगे। अब 70 दिन का ये फासला आ जाएगा, इस दरमियान वो क्या करेंगे? अब और जनवरी 12 को जाकर ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच होगा, तो महेंद्र सिंह धोनी को जिस तरह हम जानते हैं, लगता नहीं है कि वो रणजी ट्रॉफी भी खेलने जाएंगे। ये भी नहीं लगता कि किसी में हिम्मत होगी उनको कहने की कि भैया रणजी ट्रॉफी खेलने जाओ। नहीं, देखिए इम्पैक्ट तो उनको डालना पड़ेगा, आपको बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, नहीं तो वर्ल्ड कप में भी हो सकता है कि सेलेक्टर जो है वो शायद इसको सेलेक्ट भी ना करें। और ये भी हो सकता है, हाँ हो, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिकेशन तो आपको आ गई है भाई, दूसरे विकेट कीपर को देखना चाहते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि यहां से धोनी वर्ल्ड कप खेलेंगे, धोनी नहीं तय करेंगे, वो कप्तान, कोच और सिलेक्शन कमेटी तय करेंगे? नहीं, धोनी डिसाइड करेगा कि परफॉर्मेंस देकर खुद तय करेंगे। मैं मानता हूं कि अगर आपके पास सिर्फ 15 मैचेस रह गए हैं, आपके पास फासला इतने महीनों में आप सिर्फ अगर 15 मैच खेलेंगे और सोचते हैं कि मैं जाके विश्व कप में पहले दिन से ही रन बना लूं, उम्मीद करता हूं भगवान करे ये ऐसा हो भी, पर अपने आप को एक खिलाड़ी विक्रांत भाई जितना बड़ा खिलाड़ी हो जाए तैयार करने के लिए आपको लगातार मैचेस खेलने बहुत जरूरी लग रहा होगा। कोई खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है, बुरा महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे मुल्क में सचिन तेंदुलकर भी ड्रॉप हुए, अब भले ही जो मर्जी कहें, जब वो पाकिस्तान से पहले उस सिलेक्शन कमेटी मीटिंग से, उस टीम अनाउंसमेंट से 4 मिनट पहले ईमेल आया कि सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट रिटायरमेंट ले ली है, उस दौरान हम जानते हैं कि धोनी ही कप्तान थे और बोर्ड प्रेसिडेंट भी गए थे, और सचिन को कहा गया था कि अब वनडे क्रिकेट आप नहीं खेलेंगे। तो जिस मुल्क में सचिन तेंदुलकर भी ड्रॉप हुए हैं, आज धोनी भी ड्रॉप हुए हैं, धोनी क्या सोच रहे होंगे? देखिए धोनी, आप कहते हैं कि टाइमिंग गलत है। टाइमिंग इसलिए गलत है क्योंकि देखिए ये अभी जो छोटी छोटी के मैचेस थे इसको इनको खिलाना चाहिए था, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में वनडे क्रिकेट, उसके बाद आप डिसीजन ले, क्योंकि आपके साथ जिस विकेट कीपर को आप सोच रहे हैं ले जाने के लिए वो तो आपके साथ ही चल रहा है। तो और क्या है कि ये बड़ा जरूरी था इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा एक विकेट कीपर जो है मेरे विचार में, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है 2020 क्रिकेट में इतना ज्यादा विकेट कीपिंग नहीं होती, फिर कॉन्फिडेंस के लिहाज से, कॉन्फिडेंस के लिहाज से। और बाकी ड्रॉप होने वाली बात जो कह रहे हैं, ड्रॉप तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ये तो है। खेल में उम्र एक ऐसी चीज है जिससे आप नहीं लड़ सकते, हालांकि धोनी उम्र के लिहाज से फिटनेस विकेट कीपिंग अव्वल है, दिक्कत आ रही है बल्लेबाजी में। लेकिन आप दोनों से जो बातचीत का लबोलबाव ये भी है कि T20 इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद भारत को T20 वर्ल्ड कप खेलने जाना है और आप T20 की टीम तैयार कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद इस फैसले के पीछे एक मैसेज है जो शायद सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट धोनी को भेज रहे हैं। खैर, यूट्यूब पर हमारा चैनल है स्पोर्ट्स तक, कल रात से आप देख रहे हैं कि धोनी को लेकर तमाम डिबेट्स, बहस, जिसमें आपने भी हिस्सा लिया, आपके सवाल भी लिए गए हैं, वो आप वहां पर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, MSK प्रसाद ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा, और आपके सवाल तो उस पर लिए ही जाते हैं। तो आपको करना ये है, YouTube पर जाना है, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, अपने सवालों को तैयार रखना है, वहां पर बातचीत भी चलती रहेगी और साथ ही साथ अलग कहानियां भी चलती रहेंगी। एक और कहानी चल रही है इस वक्त, वो कहानी है विराट कोहली के 3rd शतक की, कमाल के कप्तान है। मैच पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि कप्तान साहब 3री पारी में 3rd 100 के करीब पहुंच गए।